मेरे फ्यूचर गोल्स यही हैं कि मुझे इस बिज़नेस को उस पीक तक लेके जाना है जिस पर मतलब किसी ने इमेजिन ना किया हो। मैं आगे यूथ की हेल्प करना चाहता हूँ, जो मेरे से जूनियर्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ई कॉमर्स क्या है, उससे आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह आप अपने आप बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। मेरी जो अमेज़ॉन से मंथली इनकम आती है वो अप टू 1 लाख आती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान जौहर है और मैं ताल्लुक़ रखता हूँ मर्दान से। आई एम एन IT स्टूडेंट और साथ साथ मैं अमेज़ॉन में एज़ अ होल सेल काम कर रहा हूँ। मैंने साथ साथ जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट JS वगैरह इस तरह के कोर्सेज़ किए हुए हैं। पूरी जर्नी में मुझे बहुत सारी मुश्किलात आई हैं, थ्रू लिस्टिंग आई है। जब मैं लिस्टिंग करता था अमेज़ॉन, कभी कभी ये करता कि वो लिस्टिंग वीक्स तक एक्टिव नहीं होती थी। हमारी जो इन्वेंट्री है वो 3PL से होके अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पहुंच जाती थी, लेकिन उसमें ये होता था कि अमेज़ॉन कहता कि भाई हमें इन्वेंट्री नहीं मिली, तो उनके साथ केस खोलना वगैरह ये था। दूसरी मुश्किलात मुझे रिम्बर्समेंट से थी कि मेरा एक प्रोडक्ट था जो मैंने लॉन्च किया था, वो एज़ अ ब्यूटी प्रोडक्ट था और वो एक मेल्टेबल था, तो उसमें ये होता कि ज़्यादा गर्मी की वजह से वो जो प्रोडक्ट्स थे वो मेल्ट हो जाते थे और उसी वजह से कस्टमर्स के फिर मतलब रिफंड्स आने लगे, तो उसमें मुझे थोड़ी सी मुश्किलात हुई थी ज़्यादातर। अच्छा, मेरी एक वीनस थी कि मैं बहुत अच्छा था, किसी के सामने मैं नहीं बोल सकता, अगर क्राउड होता था तो मतलब मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी, लेकिन इनेबलर्स ने जो है मतलब उनके साथ क्लासेस लेके फिर जो है जब हम ब्रांड अप्रूवल्स लेते हैं तो हम एक फ़ोन कॉल करते हैं, हम उन ब्रांड वालों के साथ बात करते हैं, उनके साथ जिस तरह बात करना, उनके साथ सीखना, फिर उनसे मुझे ये स्ट्रेंथ मिला कि मेरी जो शाइनेस थी वो ख़त्म हो गई, मुझे कॉन्फिडेंट आया। अब अगर मैं ब्रांड के साथ बात करता हूँ तो मैं उनके साथ कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू। सीनियर्स और मेंटर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इन एनेबलर्स, क्योंकि कभी कभी ये होता था कि मैं ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाता था कि मुझे समझ नहीं आती थी, और मैं जब अपने सीनियर के पास जाता था और अगर मुझे उसमें घंटा भी लगता था, डेट भी लगता था, तो मेरे साथ बैठे रहते थे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर अमेज़ॉन के साथ कोई केस खोलना है या कुछ और करना है, उनको कॉल करनी है, तो वो मतलब मेरे साथ होते थे सारे सीनियर्स। मेरी जो अमेज़ॉन से मंथली इनकम आती है वो अप टू 1 लाख आती है। ये इनकम मेरी तकरीबन 4 मंथ से स्टडी है, क्योंकि इसमें यह होता है कि अगर आप बजट को और ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट नहीं करते तो आपकी इनकम इतनी आती है, क्योंकि कैलकुलेशंस करने के लिए मतलब जब आप कैलकुलेशंस करते हैं आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसमें ये होता है कि आपने 3PL का एक्सपेंस जो है वो हटाने होते हैं, सारा कुछ करना होता है, और उसको मतलब सारा कुछ मतलब सॉल्व करके कैलकुलेशंस करके 1 लाख तक आती है। मैंने बहुत बार कोशिश की थी गिव अप करने की, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट टाइम एक प्रॉब्लम फंसा था जिसमें मुझे ज़्यादा रिफंड्स आए थे, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि जो मेरा प्रॉफिट था और जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो हाफ हो गई थी। उसके बाद मैंने कहा था कि यार आई जस्ट वांट टू गिव अप, बट आई डिड गिव इट अ ट्राई, अनदर ट्राई। मैं अपने मेंटर के पास गया था, उनसे मैंने ये सारा वाक्या जो है डिस्कस किया। उन्होंने मतलब मेरे साथ बैठ के अमेज़ॉन पर हमने केस खोला, हमने उनके साथ केस इशू किया, उनको हमने जो ट्रैकिंग आईडीज दी थी जिनके रिफंड्स आए थे हमने वो सारा कुछ उनको दिया, हमने एक प्लान ऑफ एक्शन उनको दिया कि ये हमारे साथ हुआ है, और हमारे जो 3PL से जो जितनी भी इन्वेंट्री गई थी जब वो वेयरहाउस पे रिसीव हुई है उसमें कोई फॉल्ट्स नहीं थे, कोई बॉक्स डैमेज वगैरह नहीं था या कोई आइटम वगैरह हमारा डैमेज नहीं था, तो उसमें ये होता है कि अमेज़ॉन ने फिर जो है हमें रिइम्बर्समेंट की थी, उन्होंने 3 मंथ ऑफ पीरियड लिया था। मेरे फ्यूचर गोल्स यही हैं कि मुझे इस बिज़नेस को उस पीक तक लेके जाना है जिस पर मतलब किसी ने इमेजिन ना किया हो। मैं आगे यूथ की हेल्प करना चाहता हूँ, जो मेरे से जूनियर्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ई कॉमर्स क्या है, उससे आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह आप अपने आप बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं US मार्केट में एज़ अ होल सेलर काम कर रहा हूँ और साथ साथ मैं एज़ अ फ्रीलांसर भी हूँ US मार्केट में। मैं प्रोडक्ट हंटिंग भी करता हूँ, साथ में क्लाइंट्स को जो है उनको मतलब एज़ अ VA भी असिस्ट करता हूँ।
अच्छा, मैं अपने बिज़नेस को स्केल करने के लिए ये होता है कि कुछ लोग होते हैं वो अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल देते हैं। मैं ये नहीं करता, मैं अपना 50% प्रॉफिट निकाल के 50% दोबारा री इन्वेस्ट करता हूँ ताकि जो मेरी बाइंग पावर है अमेज़ॉन में वो ज़्यादा हो, ताकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो। अच्छा, मैं अभी तक जो है मैं होल सेल ही कर रहा हूँ, लेकिन आगे मेरा यही है कि मैं अपना ब्रांड जो है लॉन्च करूँ, अपने ब्रांड पे काम करूं, अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करूं, साथ ही साथ मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज पे भी काम करूं। मतलब मैं मल्टीपल सिर्फ US में नहीं करना चाहता, मैं UK में भी करना चाहता हूं, मैं कनाडा में करना चाहता हूं, जहां पर अमेज़ॉन जा रहा है मैं अपने ब्रांड को जो है उसमें लेके जाना चाह रहा हूं। अच्छा, न्यूबीज़ के लिए मेरा ये मैसेज है कि स्टार्ट में आपको पेशेंस रहना पड़ता है, क्योंकि स्टार्ट में आपको उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलता जिस तरह आप कहते हो कि हमें मिलेगा विद इन अ मंथ, विद इन 2 months आप कहते हो कि हमें वो जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा, लेकिन ये होता है कि आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, तभी आपको जाके आपका रिज़ल्ट मिलेगा।